You see ya. अपने फोन लाइट से सागे देना मेरे रहते ये देखो मैंने के कमेंट फक्चा साइलेंट तो हो गदर फोन साइलेंट कर ये न करन साइलेंट भाई जितने जो साथी देखन लाग रहे हैं सभी साथियों को सबसे पहले जोड़कर राम राम कुछ साथी तो ऐसे हैं जिनके लिए खुश है <clears throat> सरकार ने आरस छिकारा को यानी कि मेरे को जेल भेजने की तैयारी कर रखी है केस बना दिया मेरे पे और मैं बिना फैक्ट के बिना सबूत के कभी कोई बातें नहीं करता आप लोगों के साथ दिखाता हूं आप लोगों को दिखा के तभी बात करता हूं मुद्दे की बात करता हूं यानी कि काम की बात करता हूं जो सच्चाई उसी पे बोलता हूं मेरे को जेल भेजा जाएगा सोनीपत सिटी थाने में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है जिन साथियों को सुनाई दे रहा है जो मेरी आवाज सुन पा रहे उन सभी साथियों से मेरी विनती वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि यह वीडियो सब तक पहुंच जाए मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं पहले सबूत देखो वैसे नहीं बिना सबूत के बात नहीं करनी चाहिए यह है प्रूफ ये देख सकते हो आप इसमें धारा एक सौ सैतालीस एक सौ उनचास चार सौ बावन पांच सौ छह ये तो मेरे ऊपर धारा लगा रखी है आठवें महीने की यानी कि अगस्त की बीस तारीख को मुकदमा हुआ है अच्छा अभी दिखाता हूँ आप लोगों को ये जो मुकदमा है इसके अंदर एफ आई आर की कॉपी है सबसे पहली लाइन में छिकारा लिखा हुआ निवासी लड़रावण देख लिया होगा ये रहा। मेरे नाम के आगे सात शब्दों में लिखा हुआ है ये अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गौर से पढ़ना थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को ये देखो भाई यहां लिखा हुआ बदमाश अरस छिकारा आए दिन सरकार के उच्च पदों पर कार्य कर रहे वशिष्ठ व्यक्तियों के खिलाफ भी धमकी और गैर मर्यादित भाषा का प्रयोग करता है पढ़ लिया यानी कि बड़ी चीज जो है वो ये है मैं हूं बदमाश ये एफआईआर में लिखा गया मैं बदमाश हूं और जो सरकार है सरकार के खिलाफ बोलता हूं गैर मर्यादित शब्दों का प्रयोग करता हूं मैं आप सभी साथियों से एक बात बताता हूं एक मुद्दा उठाया था जिसका नाम था अग्निपथ एक मुद्दा जब यू अग्निपथ का मुद्दा उठाया एक आधे गुजडून तो न्यू नहीं बेरा मैं कून हूं न्यू कहते ना रोड पर बैठकर दारू क्यों पी अरे मैं को ना भाई वो गुड़गा मे कहने का है शक्ल भी ना मिलती यार मेरी तो उस दूसरा भाई है भाई तेरे बत्ती हो रही है तेरा धोखा लाग रहा है सुन लि भाई काम की बात अग्निपथ का जो मुद्दा उठाया उसी टाइम मेरे पास कोल आ गई थी मेरे पास धमकी आ गई थी तेरे लाख केस तेना भीतर गिर देंगे तू सरकार के खिलाफ जितना तू बोल रहा जितना नाक नाख दम तू दे रहा ना उतना नाक नाख दम पूरे हरियाणा में कोई नहीं दे रहा क्या नाक मदम दे रहा हूं भाई पहले तुम आप लोगों से पूछना चाहता हूं मैंने आज तक कोई नाख मदम नहीं दिया मैंने सरकार से वे सवाल और जवाब किए हैं जो आम नागरिक को करने चाहिए इब कोई नहीं बोलता अपने हक के लिए तो भाई मारा तो बोलन का हक बना है दूसरी बात यह है ना मैं घबरा रहा हूं भाई अकमा आप लोगों से यह मदद मांगने के लिए आया हूं कि मैं घबराया हुआ हूं ऐसा कुछ नहीं है बुरे मैं कर रहा हूं तो भगतू भी मैं गा ठीक है लेकिन मैं आप सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूं जिस इंसान पर आज तक सात इक्यावन का मुकदमा दर्ज नहीं अखबार के अंदर छापा जाता है बदमाश अरस छिकारा दूसरी बात लिखा गया बेहतर साल की विधवा का पलाठ कब्जाया भाई बेहतर साल की जो उम्र होती है मेरे हिसाब से तो हमारी दादिया की उम्र हो उसमें तकरीबन सब विधवा हो जाए है तकरीबन देखोगे नब्बे औरतें विधवा पाऊंगी ये कौन सा गेम खेल रहे हो आप विधवा औरत जिस प्लॉट कब जाने का मेरे पर मुकदमा लाया है आज तक ना तो मेरी उनसे कभी बात हो ना कभी मुलाकात हो ना मैं उनको जानता ना मैं वे मेरे को जानते सीधी सी बात यह सरकार को कहीं ना कहीं फंसाना था कहीं ना कहीं फसाना था केस लगाना था बात थी केस लगाने की सरकार ने कर दिया अपना काम पूरा लेकिन मैं आप सभी उन साथियों से आज एक बात पूछना चाहता हूं जो हरियाणा वासी हरियाणा के अंदर मेरे काम ने पिछले दस साल तक देखते आ रहे हैं मन भाई आज तक कौन सा ऐसा काम करा है जिससे मेरे नाम के साथ बदमाश शब्द जोड़ा गया है किसी गैंगस्टर के साथ मेरी कोई लेन देन हो भाईचारा हो और कुछ हो है भाई जो ये भाई वीडियो देखे सोशल मीडिया देखे हैं सिर्फ मेरे को इसलिए दबाया जाएगा इसलिए दबाया जा रहा है मैं गरीब परिवार से हूं ना तो मेरा बाप एम एल एम पी ना मेरा दादा एल पी ना हमारे घर में कोई सरपंच पार्षद रहा एक गरीब का बेटा इतनी ऊंचाइया पर पहुंच कैसे गया सबसे बड़ा कारण तो है ये उससे दूसरा बड़ा कारण ये है हरियाणा के अंदर अगर कोई अच्छा कर रहा है सब उसके पीछे लाग जाओ यानी कि मेरे पीछे कोई खड़ा कोने दिखता सबसे मेन कारण एक औरत थी भाजपा पार्टी की आज हमारे बीच में नहीं है सोनाली फोगाट मेरे उसके हालांकि विचार तो नहीं मिलते थे क्योंकि उसने किसानों के बारे में कुछ कहा था लेकिन आज वो भगवान के पास है आज हम उसकी बुराइयों का जिक्र नहीं कर सकते क्योंकि वो बहन उस वक्त अंधी होगी थी एक राजनीतिक राजनीतिक पार्टी के चक्कर में आज वही राजनीतिक षड्यंत्र जिस पार्टी के अंदर वो काम करती थी जो पार्टी उसको बुलवाती थी आज उसको वही षड्यंत्र खा गया खा गया ना यही काम कल आने वाले समय में मेरी वीडियो देख लेना ब्लू टी शर्ट में पाओगी बीस दिन पहले की मैंने यह बताई थी मेरे पे हरियाणा तो इन अपनी तरफ तो सारी कोशिशें कर ली धमकी दवा ली सब कुछ कर लिया अब आने वाले समय पहले में पहले तो मैंने जेल में डूसेंगे संगीन जी से जो होंगे वे आरोप लगाऊंगे उसके बाद वहां से अगर वापिस बाहर निकले आया कैसे न कैसे करके बाहर आने के बाद 100 परसेंट मेरा एक्सीडेंट करवाऊंगे क्योंकि मैं इनकी आंख में इसलिए रड़कन लाग रहा हूं ना तो कांग्रेस डायरेक्ट इनके खिलाफ बोलती इन तक तो सवाल जवाब करती ना और कोई पार्टी जो विपक्ष की पार्टी जेजेपी तो इनके साथ विलय कर चुकी है और कोई आम आदमी पार्टी अभी इतनी सक्रिय नहीं है एक लोतारस छिकारा जो खुल का बोलता है मैंने उठा उठा जो सीएम की बात है सीएम का स्पेशल नाम लेकर बोली बीजेपी पार्टी के और किसी नेता की बात मैंने सीधा नाम लेकर बोली मैंने उनको नाम लेके टारगेट किया है इसीलिए मेरे को यह सजा सुनाई जा रही है यो लड़का एक ईसा है जो नीडरों होकर का काम कर रहा है इसका टैटू कैसे दबाया जा मेरे पास बार बार रेड लागल रही आप लोगों को तो पता नहीं होगा अखबार तो शायद पढ़ते नहीं अखबार में मेरा नाम बदनाम करने के लिए आज बिजली विभाग का छापा आज दवाइयों पर छापा एक बात सोच के देखो पूरी सरकार पूरा सिस्टम आपके भाई के एक लोते इंसान के पीछे लाग रहा है हर फिर भी एक परसेंट किसी चीज में कमी नहीं पाई ना तो हमारी किसी दवाई में कोई कमी निकली सारी दवाइया की जांच हुई है क्योंकि हम दो नंबर का काम करते नहीं अगर किसी चीज में छोटी सी भी कमी होती मेरे गले ने बिछक मार देती सरकार सरकार ने इसे हथकंडे अपनाए जो फोन पर बताने के नहीं है आखिर यो भी घेरना चाहे जो मर्जी हो जाए मेरा साथी का कहे सीबीआई का साथ ले भाई सीबीआई का साथ मैं इतना बड़ा नहीं हूं मैंने सीबीआई के तोप इसमें भी ना बढ़ने दे मैं थारे बीच में कहे एक कति आम परिवार का कति गरीब परिवार का बेटा हूं बस मैं थोड़ा मशहूर इसलिए हो गया लोग अच्छे लगे मेरे काम पसंद आए और मैं ये बता देता हूं भाई मुन अपराधा आज तक के के कराया है लगभग मेरे हिसाब से गिनती तो एक दो बत्ती हो सके एक सौ बियालीस लड़कियां भी आई है भाई मुने गरीब उन परिवारों की जिनके घर में कोई भी नहीं था कमाने वाला या कोई भी साधन नहीं था इक्कीस या बाईस देखना पड़ेगा बात भरे हैं उन बैना के जिनके पाटड़े पर कोई चढ़ा नहीं था लगभग साढ़े ग्यारह सौ वे परिवार बसाए हैं जिनके पास कोई आय का साधन नहीं था पच्चीस करोड़ रुपए की नगद मदद कर चुके हैं अपने घर से हर रोज सुबह निकलते हैं रात के बारह एक बजे बड़ा अपने बड़का ने छोड़ गए और ये ऐसे घटिया इंसान है ये राजनीति वाले ऐसे घटिया इंसान हैं इनको पता है कि 24 घंटे यो आदमी ऑन रोड रहे आज मैं इस वीडियो को के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं इस वीडियो को जितने पत्रकार साथियों बेसकून तक पहुंचा देना इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके साढ़े चार हजार आदमी लाइव देखो जितना ज्यादा हो सब जगह शेयर कर देना सौ प्रतिशत एक्सीडेंट कर कमर क्योंकि मेरे पर मुकदमा दर्ज हुए आज पांच दिन हो गए हैं पांच दिन से हर रोज मैं समाज के प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूं पुलिस मेरे पीछे पीछे है एक मेरा भाई ने कहा लग रहा कल तुमने तो कहा था जो करना हो करू कहूं भाई बात सुन आप गुलाम हो सकते हो मैं नहीं जब तक जीऊंगा इस आकड़ में जीऊंगा और जब तक रहूंगा ना सरकार की ऐसे ही पोल खोलता रहूंगा न्यू की धोती ही दूंगा नोट कर लेना इस बात को साली गर्द न कट की जुबान लिकटनी बंद होगी बात अलग है सच्चाई के लिए हमेशा बोलता रहूंगा दिन प्रतिदिन अब सरकारी स्कूल बंद होने लाग रहे हैं हमारे टीचरों की क्या हालत होगी वो सोच लो पहले ही मेरा काम है ये मैं समाज का एक नागरिक हूं अगर मेरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी बुरा कार्य होगा मैंने भगत सिंह को पढ़ा है मैंने भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ा है मैंने चंद्रशेखर आजाद जी को पढ़ा है मैंने सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा है मैं मूर्ख नहीं हूं कि मैं कुछ भी ना बोलूं कुछ मेरे साथी का फलाने नेता का साथ ले ले उस नेता का साथ ले ले मन साथ लेने की जरूरत नहीं भाई मन साथ लेने की नेताओं की जरूरत होती तो मैं कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करता कई मेरे साथी ऐसे थे तो जो मेरे पे ठप्पा लगाने फिराया करते तू तो कांग्रेस ही है अब आप लोगों से पूछना चाहता हूं भाई कहां देख लिया आप लोगों ने कांग्रेस को मेरे फेवर में बोलते या मेरे पीछे खड़ा होकर मेरी मदद करते आप सभी साथियों से मेरा ये सवाल है अगर मेरे पीछे सरकार पड़ी हुई है मेरे को सरकार दाशना चाहती है मारना चाहती है अंदर डालना चाहती है उन सब के जिम्मेदार आप लोग हो मैंने हमेशा आवाज आप लोगों के लिए उठाई है अपना घर अपना छोटा सा बच्चा आप लोगों के लिए छोटा है 105 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं 214 स्कूल अभी बंद होंगे हरियाणा के अंदर से विनाश की तरफ हरियाणा चल रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी में नंबर वन है आप लोगों की जुबान पर ताले लगे हुए किसी में हिम्मत नहीं अपनी सरकार के खिलाफ खुलकर बोल सके एक लोता इंसान हूं एकलोता इतिहास उठा के देख लेना पिछले दस साल का अरसकारा को गाड़ी बक बक के आधे हरियाणा के आदमी स्टार बन गए हरियाणा के अंदर आधे आदमिया ने कोई काम धंधा नहीं कर सिर्फ अरस्यकारा को टारगेट किया अरसकारा को गाड़ियां दी है और स्टार बन गए वे इसका मतलब तारा भाई कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहा होगा भाई हनुमान बेनीवाल जी से साथ लो भाई साहब ऐसा है हनुमान बेनीवाल जी हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय हैं उनकी इज्जत उनका मान सम्मान सिर है लड़ाई हमारी हरियाणा सरकार से हम इतने बूस दिल भी नहीं है अपनी लड़ाई आप नहीं लड़ सकते जब तक जीऊंगा भाई पहले ही बता रहा हूं जब तक जीऊंगा ऐसे ही तो गलत को गलत और सही को सही कहता रहूंगा जहां मेरे समाज को पहले तो समाज की बता दू समाज के नाम को कई आदमी गलत जगह ले जाते हैं और एक समाज मेरा है भाई हर जाति मेरी है वाल्मीकि भी मैं हूं जाट भी मैं हूं ब्राह्मण भी मैं हूं राजपूत भी मैं हूं हर जाति का मैं हूं मैं सभी जातियों को बता रहा हूं सब मेरे हैं सबका मैं हूं जिसके अंदर जातिवाद का कीड़ा हो जो कट्टर जाट कट्टर पंडित कट्टर राजपूत कट्टर कुछ भी बन रहा हो उससे मेरा कोई नाता नहीं है उससे मेरा कोई नाता नहीं है मेरे पूर्वजों ने मेरे क्रांतिकारियों ने जिनको भी मैंने पढ़ा एक बात सिखाई है आप अपनी जाति पे गर्व करो जिस जाति में आप पैदा हुए हो, लेकिन दूसरी जाति जो है ना उसका अपमान भी मत करो अपने से ज्यादा उस जाति को भी इज्जत दो हमारे लिए सब सरोपरि है भगत सिंह का जो सबसे मैन मुखिया था लीडर था वो चंद्रशेखर आजाद था भगत सिंह की चंद्रशेखर की एक जाति थी अपना इतिहास उठा के इतिहास पढ़ के देखो आप लोगों के अंदर ये जो जातिवाद की जड़े गड़ी हुई है जिसका फायदा आपकी सरकार उठाती है आज मेरे को दबाया जा रहा मैं बताता हूं खुद मेरे समाज के आदमी खुश होंगे सब तो नहीं कुछ परसेंट होते हैं वे कुछ परसेंट मेरे समाज के ना ठीक रो कट्या तीसरे दिन इस फेसबुक पर वो क्या करता बीस भी भी दिन दो भी छह भी नहीं ना बंद करेंगे कि अकल ठकाना आ जाएगी अरे मेरे भाई मैं आप लोगों के लिए घूमया हूं आप लोगों के लिए बो, क्या हूं आप लोगों के लिए लड़ा मेरा ठीक रोजगार ठीक काम धंधा चाल रहा जब मैं कमा मना बढ़ू तो अपने घर से पैसा भूखता हूं अपने घर से गाड़ी लेके बीस बच्चे लेके सुबह निकलता हूं वे बच्चे मेरी इज्जत बचाने के लिए मुझे पता डायरेक्ट दुश्मनाई सरकार से ले रखी छोटी मोटी चीज से नहीं हुकूमत तो वो चीज है अच्छी अच्छी ताकत को खा जाती है उकुमत के आगे किसी की नहीं चलती और आपके भाई ने हुकूमत से टकराने का साहस किया है आप लोगों का फर्ज बनता है अपने भाई का साथ दो लेकिन बड़ा दुख होता है मैं मुर्दों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं मुर्दों को जगाने की आज संघर्ष करते पूरे दस साल हो चुके हैं 2012 से शुरू किया था 2022 में आ चुका हूं छत्तीस से ज्यादा तो प्रोग्राम अटेंड कर लिए हैं छोटे मोटे बड़े छत्तीस सौ से ज्यादा प्रोग्राम जिनके अंदर मैं रहा हूं एक मेरा साथी का लग रहा है दारू पी रहा बड़े भाई साहब आपका धन्यवाद लेकिन आपको एक वैसी बात बता दू अगर मेरा कोई दुश्मन होगा उससे भी पूछोगे ना मेरे को नशे की किसी भी चीज के टेस्ट काज तक नहीं पता है पीना बड़े दूर की बात हम हाथ लगाना है पसंद नहीं करू मेरा बाप भी पीता हूं मैं अपने बाप ने पसंद नहीं करू नशे से इतनी एलर्जी पैदा ऐसी है ठीक है गाम लटराओं है जाकर पूछ लेना पूरा गांव बता देगा बाकी कुछ भी कह दियो लेकिन नशे के बारे की जो बात कर रहे हैं ना इस पर दुश्मन भी छाती ठोक देगा छकारा नशा नहीं करता पाओगा इसकी जिम्मेदारी हम लिया इन बातों को भाई इग्नोर करेगा ठीक रहेगा और बराता श्री आपको हम अच्छा नहीं लागते ब्लॉक करके साइड कर ऐसे भाईचारे की हमें जरूरत नहीं है तो भाई आप सभी साथियों को यही बता रहा था आपके भाई को जेल जाने की तैयारी कर दी है ये जो तीस तारीख आने वाली तीस तारीख यही तीस है। इससे पहले पहले जेल में डाल देंगे कैसे भी डाल लें ठीक है।, है उनका काम है ना मैं भगोड़ा हूं ना मैंने फोन बंद कर रखे ना मैं कहीं भाग रहा मेरे नहीं हुआ तो चौबीस घंटे फोन चल लू है ऐसे ही समाज की मैं आवाज उठा रहा हूं ऐसे ही समाज के बीच में हूं मेरे को आज गिरफ्तार कर लो या काल कर लो या परसों गिरफ्तार करोगे आप लोगों को पता लग जाएगा अखबार में खबर आऊगी अखबार में जो भी खबर आऊगी वह नाम खराब करने को लेके आऊगी मैं तो शुक्रमानू हू इन्होंने मेरे पे केस लगाया है प, ए, पलोट पर कब्जा करने का मेरा भगवान कोई सा केस ना ला दे, छोरी छेड़न का और कुछ क्योंकि नीचता की सारी सरकार न पार कर है अगर लादेन जी भी तोता ना पाकिस्तान वाला वो भी आज ही सरकार को आके अगर वो भी आज ही सरकार को आके ज्वाइन कर लेता उसको भी श्री 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 लादेन जी बना बता देते और उसको भी दूध से दुला हुआ बना देते ये सरकार भाई मेरे बस की नहीं है ऐसी सरकार के साथ आवाज ना उठाऊं मैं तो उठाता रहूंगा भाई इसलिए आवाज उठाता हूं मैं पीड़ित हूं आज तक आप लोगों ने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बातें नहीं की और मैंने कर रखी पढ़ाई और बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कही थी जो मैं हर जगह कहता हूं शिक्षा वो शेरणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा मैं अपनी जुबान पे ताला नहीं लगा सकता मेरी लड़ाई सरकार से नहीं है मेरी लड़ाई सिस्टम से है ना मैं सरकार का विरोधी हूं मैं अपने हक के लिए ओरिजिनल जेनवन बातें उठाता हूं मैं सिर्फ ये कहता हूं आप शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बातें क्यों नहीं कर रहे इन चीजों पे काम क्यों नहीं कर रहे आप मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम वहीं उड़ जाकर लोगों की मां बहने क्यों कर रहे हो लोगों को इतना अंधा बना के धर्म में क्यों धकेल रहे हो जबरदस्ती क्या एक मुसलमान को अपने धर्म की इज्जत का नहीं पता क्या एक हिंदू को अपने धर्म की इज्जत करने का नहीं पता तो आप लोग हमें परोस के जबरदस्ती ये चीजें क्यों दे रहे हो और दूसरी बात भाई आप सभी साथियों से कितनी विनती है ज्यादा लंबी चौड़ी बात हो जाएगी आप लोगों का कोई साथ नहीं मांग रहा मैं कि मैं जेल में जाऊं मृति न्यू कर दियो न्यू कर दियो कुछ नहीं करवाता भाई मैं समाज की लड़ाई मैंने इस मारे लड़ी मेरा कीड़ा था अरे मेरा जीऊंगा जब तक कीड़ा रहेगा अच्छा लड़ाई मन लड़ रहा तो भाई भुगतू भी मैं का। वकील भी मेरे घर के करेंगे जमानत भी मेरे घर के कराऊंगे टमाटर गंठे भी मेरे घर के पहुंचाऊंगे ठीक है लड़ाई समाज की लड़ी लेकिन भाई बाकी सारा काम मेरे घर से होगा मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात कहता हूं भाई अखबार में जो भी मेरे बारे में खबर छापे खबर हमेशा नेगेटिव ही छापते हैं भगत सिंह की खबर उठा के देख लेना उस वक्त की उनके खिलाफ भी नेगेटिव छापते थे लेकिन सही दयाजम सही दयाजम ही थे इसलिए मैं उनसे तुलना तो नहीं कर रहा भाई उनके तो अंबाड़ बराबर भी नहीं है ना पूरा जीवन हो सकते लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूं वे गलत खबर छापा उनका विरोध जरूर कर दियो छा ईसाना है छकारा के बारे में अखबार में ये तो नहीं छापा छकारा ने इतने अच्छे अच्छे काम कर दिए छकारा के, के बारे में ये तो नहीं छापा छकारा ने सैकड़ों ज्यादा आंदोलन कर दिए छकारा के बारे में तो कभी नहीं छापा चौदह साल से कम उम्र की बच्ची के साथ जो बलात्कार होता है जो पाक्सो कानून है वो पास करवाने के लिए सात आंदोलन मन मेरे के साथ मिलकर करे थे जिसमें के गारा जुड़ भी रहा फौजी असलापुर जब जागा पाक्सो कानून पास होया था जो ट्विंकल खन्ना रेप कांड हुआ था ढाई साल की बच्ची का जो बलात्कार हुआ था भाई साहब उसकी जो बॉडी थी उसको निकाल के लेने वाले हम थे आपकी आज तक एनडीटीवी ये जितने टीवी हैं, जी टीवी इन पर तो खबर जब आई थी जब उसको हम निकाल के ठीक है उसके बाद जो पुलवामा हमला हुआ उस दिन एक ही दिन में चालीस अलग अलग सीटियों को बंद किया था हर शिकारा के भाईचारे ने सबसे पहले आदमी घर तक गया था जो सीएम सिटी हमारी करनाल तीन घंटे तक बंद कर दी थी अकेला गया था कई हजार भाई हो गए थे वहां पर देश के जवानों के लिए किसानों के लिए अकेले जंतर मंत्र पर बहन बेटियों के लिए दो हजार उन्नीस उन्नीस में सत्तावन आंदोलन है अगर मेरे नाम से जाके वहां परमिशन लोगे सरकार भी परमिशन नहीं देती आपको प्रशासन परमिशन नहीं देगी कि यो अरस छिकारा बार बार दुनिया भर की भीड़ ले आवे है ये भाईचारा कमाया भाई आपके भाई ने आप लोगों ने ये खबर तो कहीं नहीं छापी आज तक आपकी सरकार ने ये दिखाई नहीं दे बेरे हो गए क्या एमएलए एमपी आपको चुन रखा लोग मदद मांगने हमारे से आते हैं अगर मेरा पेज खोल के देखोगे सैकड़ों मैसी डेली ये आते हैं भाई बहनों के भाई कत्ती गए चाहे छह हजार की नौकरी दवा दे की तो दवा दे अब सोच के देखो वे मेरे को इतना बड़ा मानते कि नौकरी दिलवाने वाला मैं हूं मैं कहा से नौकरी दिलवाऊं उनको क्योंकि ये हालात आपकी सरकार ने बनाए हैं और आप लोग कहते हो जो आवाज उठाता उसको अंदर घुसेड़ दो या पार्टी ज्वाइन करवा दो मेरे को भी ये ऊपर आया है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले अपने काम धंधे चलाता रहे और मोज कर ऊपर अच्छा है आप लोगों के ऊपर ना तो मैं मोज करना चाहता ना मैं पार्टी ज्वाइन करके नेता बनना आप लोगों के ऊपर समाज की लड़ाई लड़ता रहा हूं लड़ता रहूंगा सिर्फ आप लोगों को जगाने के लिए मैं सिर्फ यह कहता हूं गलत को गलत कहना सीख लो ठीक को ठीक कहना सीख लो आज एक छिकारा बोल रहा है तो उस पर केस लगा रहे हैं कल हजार छकारा बोलने वाले होंगे किस किस का केस लाओगे परसू एक लाख छकारा बोलने वाले होंगे किस किस को बंद करेंगे भाई इतनी बड़ी जेड़े नहीं है इनकी सबको बंद कर देंगे ये छोटा मैसेज आप लोगों को देना था आप लोगों को अच्छा लगा हो शेयर कर सकते हो नहीं अच्छा लगे हो भाई कोई बात नहीं आप लोगों ने इतना सहयोग दिया इतना प्यार दिया तेरह लाख आदमियों का रस छिकारा के पेज पास परिवार जुड़ा हुआ फेसबुक का जो भी प्यार देकर आप इस वीडियो को आगे शेयर करके पहुंचाओ भाई थारा धन्यवाद होगा बीजेपी ज्वाइन मत करना भाई भाई मैं तो करनी होती तो आज तो पहले ज्वाइन करके मलाई खाता आराम तो क्यों लोग की गाली सुनू है अखबार हम बड़े बड़े मेरे पोस्टर आते फोटो आते मन दूध गा दू लिया बना देते मन माने मेरे नाम आगे शरी शरीर आठ भी लिख देते भाई मन अच्छा बनना होता तो मैं वो करता मन अच्छा नहीं बनना सिर्फ सेवा करनी है मैंने लोग जागरूक करने है जो अपने हक के लिए खड़े हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई अन्य पार्टी हो जो गलत है उसको गलत कह सके और गलत का खुल के विरोध कर सके सिर्फ मैं ये भावना पैदा करना चाहता हूं जवाइन तो मैं मेरे भाई कबका करके मोज लेता आनंद लेता इनकी तरह जा में घूमता हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी होती वे मेरे को ऐसा राम नहीं चाहते मन रियलिटी की जिंदगी जीनी है जो गरीब परिवार का दुख होता है उस दुख को सबको दिखाना है धन्यवाद आप लोगों ने इतना प्यार प्रेम दिया पांच हजार वीडियो देखते रहे सभी साथियों को राम राम जय हिंद जिंदा रहे मिलांगे और ना तो भाई मिस यू लेकर घेरे जाइयो क्योंकि आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है जाने के बाद मिस यू भाई धन्यवाद आप सबका